ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। आज हम टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल डिस्कस करेंगे, डिग्री के बेसिस पे डिस्कस करेंगे। इन आवर प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आज हम टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल में डिस्कस करेंगे कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वन है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ जीरो डिग्री, इट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है जीरो, तो वो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स दैट इज इक्वल टू फोर, पी एक्स दैट इज इक्वल टू टू। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, बिकॉज इन पॉलिनोमियल की जो डिग्री क्या है वो जीरो है। वो कैसे है देखिए, यहाँ पर हमारे पास फोर एंड टू है, ओके अब हमें यहाँ पे कोई वेरिएबल नजर नहीं आ रहा, तो आई कैन राइट हियर एक्सेस टू पावर जीरो, ओके और एक्स की जो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है जीरो है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है जीरो। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल, इट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो हो, तो वो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है, कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ वन डिग्री, इट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या होती है वन होती है, तो वो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, हम यहाँ चेक करें तो x की जो हाईएस्ट पावर हमारे पास क्या है वन है, तो इसकी डिग्री कितनी है वन है, तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल, ओके। नाउ वी कम ऑन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ टू डिग्री, इट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो टू हो, तो वो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी हो टू हो, तो वो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ओके। सो इसमें हम चेक करते हैं तो जो हमारा वेरिएबल एक्स है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है टू है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है टू है, तो ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ओके। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ थ्री डिग्री, इट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कितनी हो थ्री हो, तो वो हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ओके। तो इस पॉलिनोमियल में हम चेक करते हैं जो वेरिएबल एक्स है उसकी जो हाईएस्ट पावर क्या है थ्री है, तो ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है थ्री है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो इज जीरो पॉलिनोमियल, जीरो हमारे पास एक जीरो पॉलिनोमियल है, और इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है ना वो नॉट डिफाइंड होती है। वो किस तरह से होती है, अगर हम जीरो को एक्स की कितनी भी पावर हो उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है। लेट्स में हम लेते हैं एक्स की पावर थ्री, अगर मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, जीरो आता है। लेट आई टेक द एक्स टू पावर टू, अगर मैं इसको जीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या आता है, हमारे पास जीरो आता है। तो जीरो हमारे पास एक ऐसा पॉलिनोमियल है उसकी जो डिग्री होती है ना वो नॉट डिफाइंड होती है, उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, ओके। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पॉलिनोमियल, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ फोर डिग्री, ए पॉलिनोमियल ऑफ फोर डिग्री, इट मीन्स ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री फोर हो, तो वो कौन सा पॉलिनोमियल होता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। फॉर एग्जाम्पल पी एक्स दैट इज इक्वल टू एक्स टू पावर फोर एक्स टू पावर टू प्लस वन, ओके। ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें जो हमारा वेरिएबल एक्स है उसके हाईएस्ट पावर क्या है फोर है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है फोर है, तो ये हमारे पास कौन सा पॉलिनोमियल होता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है।
सो आज हमने डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज. आज हमने टाइप्स ऑफ द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्रीज डिस्कस करे. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस वैल्यूज ऑफ द पॉलिनोमियल. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे. थैंक यू.